ਲੈਵੀ ਟੀਮਾਂ ਕਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਰੈਡੀ ਚਾਰਜਰ ਚੂਰਜਰ ਲਗੇ ਛੋਕਰੇ ਕੱਢਣ ਫੋਨ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਕਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੈਮ ਆ ਮੈਡਮ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਕੈਮ ਆ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀ ਆ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਆ ਤੇਰਾ ਬੈਗ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਪਾਵਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਜੱਡ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਭਰਦੇ ਅੱਜ ਭੂਕ ਮਟਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕੀ ਸਦੀਆਂ ਕੀ ਅੱਜ ਵਲੋਗ ਚੱਲੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੱਜ ਨੈਚੁਰਲ ਵਲੋਗ ਚੱਲੇਗਾ ਅੱਜ ਨੋ ਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇਗੀ ਬਾਈ ਜਿਸ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਦੇਖੀਓ देखा भाई गड्डी में तेल कितना हुआ मैं यमुनानगर से चलते हुए पवाया था भाई इसमें 1200 रुपये का पवाया था मैंने 1120 पता नहीं 1220 समीप न पता ले भाई तेल आया 3301 रुपये का 35.5 लीटर तेल आया इब चला भाई उरे ते अगे जाकर देखा कहाँ तक पहुँचा इतने तेल में बाकी थोड़ा बहुत तेल पहला भी पड़ा था यहाँ तक दिखाऊंगा मैं जिदे सूई अद्धे टैंक तो नीचा आ जाना जब तो मौत पड़ जा और जदि यहाँ रहा ना हा 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 क्या भी स्वाद आवा भाई देख का जी खुश हो जा मेरा तो लगे अपना ट्रिप स्टार्ट तो परमात्मा का नाम ले लें फिर करते हैं शुरू बोल शंकर भगवान की जय चलो चल पड़े हैं भाई अपना उरे थे पंचकूले थे लेगा परमात्मा का नाम एक सुख शांति थे इब ट्रिप भी मैंने कर लिया जीरो इब लिखना भाई आज हम रूट दूसरा लेकर जाएंगे क्योंकि उसका ऑब्वियस रीजन है थानू पता ही आ यो यो चंडीगढ़ नहीं जा सकती ना कलेश पड़ जाएगा हमारे नौका लिखना भाई पहला मैं एक बार हाईवे पर चढ़ जाऊँ उसके बाद दूंगा थानू थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और वीडियो स्टार्ट करेंगे ले भाई अपना पंजोर वाला टोल आया था ये तो काट लिया अपन ही प्यार मुलाजिम भाई कह दिया मखा उरी ड्यूटी है वहाँ तेरे करके थोड़ा मखा ਉਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੱਢ ਦਿਊਂਗਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਈਡ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਵ ਯੂ ਬਾਈ ਮਗਾ ਲਵ ਯੂ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਮਾਰਿਆ ਮਿਲਗਾ ਚੱਲ ਬਾਈ ਜਿਉਂਦਾ ਵੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਹਾਈਵੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜਿਸ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸਮਾ ਵੀ ਨਾ ਬੀਚ ਮਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੜ ਜੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਹਾਂ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜੂੰ वहाँ यार ढाबे ढूबे मिल जाएंगे इस रोड पर ना सुनसान सी है थोड़ी इस रोड पर ढाबे ढूबे कम मिला तो जे कोई भाई मेरा इस साइड से देख रहा हो मेरा व्लॉग तो इस साइड नू रात नू जे तो थम छोकर छोकर हैं फिर ही प्रेफर करियो नहीं तो अपना जे घर घूर वाले गए ला फिर तो मेरा भाई जे यहाँ जाना तो दिन में जाइयो भाई भी पंजोर क्रॉस करके आप रुके थे अरे भाई अपनी गड्डी का ना मेरे एकदम ध्यान है क्या मैं एक बार अपना पॉल्यूशन पॉल्यूशन चेक करवा लें तो पॉल्यूशन अपना खत्म हो गया था अरे भाई यो भाई भी सो गया था यार प्रदूषण वाला फिर भाई इसकी छो करेगी मगा यार देख ले पंप वाले ने पूछा मगा भाई प्रदूषण वाला बैठा कोई कह रहा भाई वो सामने उसका बूथ कह रहा इसमें पूछ लियो जो थर पा उठा फिर तो ठहलियो कहा नहीं भाई फिर कुछ नहीं है पर बेचारा शरीफ छोकरा भाई अपनी उम्र का इसी गेल दो प्यार दे बात करी मगा मेरे भाई यार बहुत दूर जाना खोल दे सेटिंग गेल बात कर रहा था मेरा सिर है हाँ वाह जी वाह मेरे भाई राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना भाई मिल गया भाई भाई दे दो बार प्यार की बात करी भाई ने एकदम कह दिया भाई कर दूंगा ऐसे भाई अनु भाई परमात्मा करा बहुत तेरी बहन का गिर गया था तरक्की तो गिर गई थी सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग कैसे हो आप सब लोग आई होप सब भाई बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे और हम भी बहुत ज्यादा बढ़िया हैं आज मुझा तरवाई रखी इस करके थाना सारा भाई थोड़ा सा ना ओपरा ओपरा लग रहा है ना भाई मेरे को खुद बहुत ज़्यादा ओपरा लग रहा है अच्छा हाँ पहला एक की पॉइंट बता दूँ थानू मतलब व्लॉग की मेन बात बता दूँ पहला थानू आज का जो व्लॉग होगा मतलब ये आने वाली सीरीज जितनी भी होगी वो मैं ट्राई करूँगा अपनी देसी भाषा में बोलने की क्योंकि मेरे आसपास के जितने भाई हैं उन्होंने सारे ने एक बार मैंने बोला अभी तो हिंदी में तो बना ही रहा तो एक दो व्लॉग डेडिकेटेड अपनी भाषा भी कर तो भाई जो जो मेरे भाई जिनको हिंदी समझ आती है उनको मतलब मेरी भाषा तो तुम्हें आराम से समझ आ जाएगी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी रहेगी और अपने अपने आसपास के जिस तरह अपने हरियाणा हरियाणा वाले बंदे हो गए अपने पवाद वाले हो गए पंजाब वाले
आसपास जितने भी एरिया हो गए तो सारे ने रिलेट करेंगे मेरी भाषा गल। तो आज वाले ब्लॉग आने वाले दो तीन ब्लॉग ये अपनी सीरीज जोन सी है, तो थानू मेरे ख्याल से अच्छी लगेगी, मेरी भाषा में वधिया लगेगी। तो भाई इवन लिखन लगे हैं हम लोग मनाली वास्ता, अपनी टीम में तैयार हाँ, और मैं ब्लॉग की इंट्रो शूट कर रहा थोड़ी अग्गा है, बाकी मैं जोड़ दूंगा इसमें क्लिप में। तो मिला थोड़ी देर भाई, पोल्यूशन अपना हो चुका है डन, और भाई का बहुत बहुत धन्यवाद अपने राणा जी का। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी है, ध्यान रखिए अपना। हाँ बाकी कोई दिक्कत बड़ा नंबर आएगा तेरे भाई का, फोन मार दिए। ठीक है भाई, ओके जी, गुड नाइट। चलो भाई बहुत अच्छी बात होगी भाई, भाई मिल गया था एक अपना बड़ा प्यारा भाई, तो भाई बड़े प्यार गल बात करी, सारा कुछ काम कर दिया अगले ने, सो गया था अगला, अपनी सहेली गल बात कर रहा था, फिर भी अगला उठा कहा ना ना मेरे भाई आए हैं, कहा कर का दूंगा थरते। इस चीज ने भाई बंदे की ने मतलब यो डेडिकेशन हुआ यार अपने काम करने की, और यही चीजा बंदे नू लाइफ में अग्गा लेगा जहां। तो भाई मैं तो जे परमात्मा मेरी सुन रहा हो इस टाइम, ऐसे बंदियां नू परमात्मा ने तरक्की देनी चाहिए। देखो तो भाई भी जस्ट नालागढ़ पहुंचने वाले हैं, बाहर लग रहा थोड़ा सा जाम, जैसा कि आप सब देख सका लाडो अपनी उरा खड़ी है, जाए अंकल के चौक दिख रहे, सॉरी बीप पा दूंगा। ये ढाबे पर रुके हैं भाई, इसपा शर्मा जी ए सी ढाबा, ए सी दो ले रखे, ए सी करके ए सी लिख रखे, दे पूरा पैसे वसूल रहे भाई। मन ने ऑर्डर करी है एक तो यो क्या कहा इन्हें, सेव भाजी और दाल मखनी। हाँ जी हाँ जी हाँ, दो ले आओ जी। और भाई थम भी सुन लो, जिस तरह तुम बाहर जा ना, तो जिस तरह रात में थानू ढाबे पर कभी भी खाना, तो हमेशा ट्राई करनी है सेव भाजी मिल जाए खाने को, क्योंकि सेव भाजी एक ऐसी सब्जी है जो कभी भी पुरानी नहीं बन सकती, बासी नहीं बन सकती, हमेशा फ्रेश बनागी। गुड नॉलेज ना, ओके अप्रूव्ड होगी भाई। क्यों जी, जय हो महाराज, जय हो अन्न देवता की, जय हो जय हो, मत्था टेक का खाए करो भाई, रोटी अच्छी चीजा सीखे करो, मारे वो लोग देखे करो, जिंदगी में आगे बढ़ांगे। One hour later. मॉर्निंग इज वेरी 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 गुड, मैं कह रहा जो सनराइज देख रहे हैं ना, मतलब इससे जो पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है इस टाइम, मतलब जो भी जो मतलब खूबसूरत जो लग रहा है ना सनराइज, उसके क्या ही कहने भाई। तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली मंडी क्रॉस करके, पंडो वाला डैम भी जस्ट क्रॉस कर रहे हैं, साइड में जड़ी हम रिवर सोच रहे होने इन या जो नदी झील जो मर्जी सोच रहे हो, तो इसमें मेरे ख्याल से थानू आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी मेरी, तो यही है पंडो डैम भाई, यही सारा पानी जोन सा इकट्ठा होया हुआ जी। हाँ जस्ट 5 मिनट का एक ब्रेक लिया था, दो चार फोटो खिंची है गड्डी की मारी रीस में, दो फिर भाई निकल लगे हैं यहाँ से, निकल के फटाफट पहुंचा भाई अग्गा दिखाओगे आपनों व्यू कैसे। टाटा वो मोच सूरज पैंता, वो नाइस, आई लव इट, वो चक दो फट्टे, वेरी नाइस, वो विटामिन मिलते हैं सूरज तो विटामिन, वो नाइस। तो भाई नमस्ते सब दे, नमस्ते, सवेरे के बजे भाई 7:45, और अपनी सौंदड़ू टीम आ गए लो देखो, जिंदा खुला पड़ा बंगले का गेट खुला पड़ा। हम जाग रहे बस, क्योंकि हम हैं मेहनती बच्चे, करते हैं मेहनत, तो अंग्रेज फिर रहे। पैसे पूरे हो गए, पैसे पूरे हो गए। पसंदीदा अटल टनल एंटर कर चुके अंदर, हमेशा थानू इस चीज का ध्यान रखना, जिस तरह स्पीड लिमिट आ रही है ना 60, तो इसके अकॉर्डिंग ही चलना, इसके ऊपर नहीं चलना थाने, और ना यहाँ किसी ने ओवरटेक करना, ना किसी ने तंग करना उरा, क्योंकि उरा जगह जगह कैमरे भी लग रहे, सारा कुछ लग रहा, हर चीज आपकी नोटिस हो रही है। कर दिया अपने अटल टनल क्रॉस भाई, अरे भी यहाँ अगर लेह लद्दाख की साइड जाना आपने तो लेफ्ट हो जाओ, लेह लद्दाख दारचा जिस्पा तो आप लेफ्ट लेंगे, अगर रोहतांग पास और काजा जाना फिर राइट ले लियो, ये भी आपके ऊपर। अटल टनल ते अग्गा आएगा लेफ्ट मुड़ के, अग्गा आएगा थानू यो बैरियर मिलागा,
जहाँ थारी पर्ची कटागी, मे बी मेरे ख्याल से 200 रुपए की कटागी, जो हिमाचल के बाहर के हैं उन वास्ता पर्ची कटागी, जो हिमाचल के लोकल हैं, जिस तरह ये गड्डियाँ जा रही हैं ये लोकल हैं तो इन्हें नहीं जान देंगे। अरे भाई यहाँ गेल गेल चल रही अपनी ट्रेडिंग, ये फटाफट पर्ची कटवा का गजा कहीं गड्डी साइड में लाऊं और देखते हैं आज अपना कितना प्रॉफिट रहता है। तो भाई भी जस्ट अपन थोड़ा सा अग्गा आए थे अपना अटल टनल ते अग्गा चेकिंग चुकिंग करा का, उसके बाद थोड़ा सा अग्गा आगा ना यहाँ एक ढाबा टाइप मिला मनु, ढाबा या रेस्टोरेंट आप कुछ भी कह सकते हैं इसनों। फिर भाई तो मैंने गड्डी यहाँ पार्किंग लगा ली क्योंकि चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, कुछ ना कॉफ़ी कूफ़ी मिल जाएगी ना एक बार तो थोड़ा सा ना एनर्जी लेवल अप हो जाएंगे हमारे। ये भी यहाँ ठंड भी बहुत आ, देख सारे ने जैकेट जुकट पा रखी है यार, फिर टी शर्टा वा पजामे वा चप्पलां वा, बाकी सारा काम होंदा रहेगा। पहला अपना ट्रेड लावा एक दो, वधिया वधिया अपना लैपटॉप रख रखा, ट्रेड मारेंगे एक अच्छी सी, अच्छा सा प्रॉफिट बनाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। अगर किसी भाई को ट्रेड ट्रूट के रिगार्डिंग आपने ये काम करना है या अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर एक बार मैसेज करना। आइए शेर। मैं यूं कह रहा, मैं कह इतने इतने बड़े यार इतने अमीर आदमी भी नहीं देखे होने किसी ने भी लैटरिंग करने भी चश्मे लेके जा। नहीं ऊपर जाके थोड़ा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो पल पल मौसम चेंज होगा, धूप भी आवागी यार। कृष्णा यार रेस्टोरेंट का वो तो देखा हुआ यार, कहाँ वो कॉफी कॉफी बोल के आते हैं, थोड़ी गड्डियां लोट करिए, ड्राइवर थोड़ी थक गए ने। वो परंदी कहाँ गई मेरी गड्डी, ऊपर चढ़ गई थी, नीचे आओ आपके भी ना फोटो अच्छी नहीं आती। तो भाई जावा फटाफट, पहला चाह कॉफी बोल दे, एक एक दो दो कप चाह पीवांगे। तो भाई देखो अपने मेहनती बंदे बैठे हैं, भाई देखो हमारा ट्रिप स्पॉन्सर जो कर रहे ये दो बंदे कर रहे हैं भाई। जे थानू भी अपना सेकंड बिजनेस करना जिस तरह थानू लगा भी हम हर बार यूं किस तरह घूमते ना बार बार, तो भाई यो हमारा सेकंड स्किल है एक जिसके बेस पर हम अपना खर्चा खुर्चा घूमने घामने का अपना शॉपिंग का या जितने भी अपने शौक हैं इनके थ्रू पगा लें भाई। बाकी जिस जिस भाई अगर इनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए या इसके बारे में आपन नॉलेज चाहिए ज्वाइन करना आपने, तो भाई मेरे तो एक बार मैसेज कर लियो, मैं आपन नंबर प्रोवाइड कर दूंगा अपने भाइयों का। ठीक है आंटी जी, कौन सी जगह है ये? है तेलंगाना। तेलंगाना अच्छा, मैं क्या साउथ हूँ, साउथ में पहुंच गए हम तो। तेलंगाना अच्छा जी, ठीक है। तो भाई आंटी जी ने ठीक है, आंटी जी गरम गरम पराठे मिलेंगे, अच्छे मिले, और हमारे जो ये शेफ है ना बहुत अच्छे बनाते हैं। अच्छा जी, कोई भी चीज चाहे खाना खाओ। चलो भाई चाय लेके चलते हैं एक बार गाड़ी में, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। 100% हाँ, एक बार चाय कॉफी पी लेते हैं अपना काम खत्म करके और फिर देखते हैं, अगर उनको भूख लगी तो कट्ठे खा लेंगे अभी, नहीं तो फिर बाद में खाएं, क्योंकि अंदर ना छोकरियां छोकरियां बैठी हैं जिस तरह दो चार, ये खड़ी एक दो ये खड़ी, फिर मेरी से लीन राज हो जाए, फिर मैं इस कर गड्डी में बैठ कर पी लेंगे हम तो। बाहर जान दे ही नहीं चलो भाई कॉफी ओए आओ वाली वीडियो बनावा आज, चाह चाह ठहका ना आत्मा वुमेन। ला भी आंटी के इसकी टब की मसूरी कर रहे हैं मैं,
ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਅੱਗਾ ਕਵੇ ਜਦ ਆਪ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਗੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਵਾਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਇਹ ਦੇਖੀ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਨਾ ਘੁੰਮ ਕਾ यहाँ मैं कह रहा खड़ने की भी जगह नहीं रहने की क्योंकि मन ने मसूरी कर दी ना ये वॉलंटियर की बाबा जी आए बाबा जी बाबा जी ने मेहर कर दी यो गठा ठा का कह रहा है यो इन चेतांगे जे गलत कर रहा है ओ दे वॉशिंग मशीन में पानी पी रहा सब सर फाड़ा खुले आंटी जी ठीक है बेटा आना वापस ठीक है आंटी जी ओके जी लो सर जी अच्छा जी अच्छा ये आए हैं सब्जी वाले सब्जी तो अच्छी है बेटा ये गाड़ी खड़ी है ऊपर और ठीक है आंटी जी ओके फिर मिलेंगे बहुत सुंदर जगह दिखाने लग रहा थानू चेक करो फिर व्यू चेक करो थम अरे भाई अगर ना स्नोफॉल हो रही है जितना मनु लग रहा भाई बहुत सेक्सी लग रहा है बहुत सेक्सी भाई हेड्स ऑफ टू बीआरओ जिन्होंने ये रोड बनाया इतने शानदार रोड इतनी इतनी मतलब खतरनाक जगह पर इन्होंने रोड्स बनाए ना भाई क्या कहने सलूट है भाई बीआरओ नु सीरियसली दिल ते तो भाई दो चार फोटोज वगैरह खींचेंगे सारे जने अपनी अपनी और उसके बाद अपलोड कर देंगे ताकि हमारे गों गों वाले जल जा थोड़ी देर फूक जावे और हमारे पैसे पूरे हो जाए आए गए तो भाई फोटो शूट चल रहा है अपने भाइयों का भाई व्यू बहुत सेक्सी आ रहा सीरियसली बहुत सेक्सी कुछ नहीं है टेंशन टूंशन में रखा जिंदगी जियो घूमो फिरो ऐश करो कमाओ भी जदि घूमोंगे बाबे जीत जीत पड़े बाबे भी जस्ट जिसपा एंटर कर गए हम जिसपा यहाँ रह गया एक आधा किलोमीटर होर भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा तो मनु रेस्टोरेंट दिखा है रस्ते में भी यहाँ आएगा हम सोचा दाल खावा रोटी खावा मैं कहा यार चल छोड़ परौंठे परौंठे ऑर्डर कर ली क्योंकि ये तो ब्रेकफास्ट हमारा वहाँ का जगह कोई होटल ढूंढा फटाफट और फिर अपना रेस्ट रुस्ट करा थोड़ी देर चलो रोटी खावा फिर रूम ढूंढना शुरू कर दिया मैंने ये भी जस्ट एक प्रॉपर्टी दिखी थी मैंने रोड के बिल्कुल साइड एक इस साइड है और एक है उस साइड दो बंदे मर गए उसमें दो हमें आई इसमें इसमें रेट थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं बाकी भी देखा भाई रेट रूट करके वैसे तो थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं भी थोड़ा आसपास घूमेंगे सारा देखेंगे किसका रेट भाई पिछले एक घंटे से हम लोग होटल की ट्राई कर रहे हैं पर होटल जिस पे जा रहे हैं जिस पे थोड़ी सी भीड़ दिखती है मैं कह ये थोड़ा रेट ठीक दे देगा थोड़ा जेन्युइन सा होगा उस पे जाते हैं तो वो बोलता है भी सारा बुक है और जिसका खाली पड़ा है वो मुंह बहुत फाड़ रहे हैं मतलब जिस होटल की या जिसके कमरे की वर्थ नहीं है ना मतलब मेरे हिसाब से इनके कमरों का रेट होना चाहिए 2000 से 2500 हार्डली उससे ऊपर नहीं है इनके कमरे उसका रेट मांग रहे 6000 7000 एक ने तो बोला टूटे पुजे से कमरे का मांग रहा 10000 मैं कहा भाई ये तेरा होटल किराए पर थोड़ी लेना मानो एक दिन वास्ता एक कमरा चाहिए कह रहा 10000 मैं कहा फिर मक्खियाँ मारा भाई कमरा तो तेरा बिकता नहीं फिर इस हिसाब में तो कोई नहीं अभी एक और है साइड में इसमें गए हैं देखने ये देखते हैं नहीं तो पीछे एक जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था उसका रेट फिर भी थोड़ा सा ठीक है बाकियों से कैसा जी और मेरी अंखा देखी कैसी हो रही सूझ गई मेरी अंखा पर कोई दिक्कत नहीं यार तो चला लेंगे चाहे यहाँ तो दोबारा मनाली क्यों ना जाना पड़ा ये भी मुड़ गया कुछ नहीं पता देख रहे हैं मशक्कत करने के बाद मैं ये वाला होटल मिला भाई पांग जिसपा गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट पर यहाँ जो सा छोकरा लग रहा ये मैंने बाता बाता में बहुत दबाए दिया फिर इस पर सस्ता करवा लिया जोर पै दिया दिल का अच्छा है छोकरा
ये तो अपना लिख देता हूँ, अपना लिख दे, कोई लड़की लुड़की आओ कहते कॉल मी। ऐसे ही बोलना है, कहते हमारे गांव से आए थे रिश्तेदार, कहते इस करके सस्ता करना पड़ा, पैसे 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 कर देंगे। अरे तेरा दिल लगा के रखेंगे हम, रेट ठीक कर ले, हम डैम डैम डब खेलेंगे, रात को लुकुण मिच्ची खेलेंगे। तो भाई नींद नूंद पूरी करके उठ लिए भाई, बहुत तगड़ी नींद आ रही थी, बहुत ज्यादा नींद में उठे, बड़े अखे मोशन मोशन बनाया, खड़े हुए, कपड़े पाए एज इट इज, फिर आगे दोबारा इस पर ढाबे पर। पर भाई दिन में देखा मैंने जहाँ जहाँ मैंने खाना खाया रस्ते में, सबसे बढ़िया यहाँ का खाना लगा, प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी इनकी, प्लस टेस्ट अच्छा था, बंदे बढ़िया थे गाइड करने वाले। तो इब हम यहाँ आए हैं फटाफट, अपना खाना पैक करा कर लेकर जाएंगे अपने होटल में, मानू पता नहीं भाई कैसा उनका फूड होना कैसा नहीं, तो मैंने पंगा नहीं लिया, किलोमीटर पीछे आ गए वापस। मैंने कराई है 3 दाल मखनी जिसका प्राइस 220 है, बड़ा जेन्युइन है। गेल कराई मैंने बटर रोटी, सिंपल रोटी है 20 रुपए की, बटर रोटी है 30 रुपए की, और एक हमने साथ में कराया चाइनीज उसमें चिली पटेटो, ये 220 का सही है, प्राइस तो सही है। परौंठे परौंठे का बहुत बढ़िया था, 50-60 रुपए का रेट था, और जहाँ उस पांटी पर रुके थे और जिसके मूड स्विंग हो रहे थे आंटी के, उनने बहुत पैसे खर्चे, पहले तो बहुत मिठी बनी। तो ये भाई फटाफट खाना खुना पैक कराऊँ और लिखड़ा अपने होटल करनी।